नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है और इसके लिए लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत पंचायत के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक परिवारों को डस्टबिन आवंटन किया गया है और घर से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसी डस्टबिन में जमा करना है और सुबह में सफाई कर्मियों के द्वारा उस कूड़े को उठाकर और एक जगह निर्धारित किया गया है जहाँ फेंकना है। जहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए जगह निर्धारित किया गया है वहां पर गंदगी न फैले, इसको लेकर भी अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण किया गया है, यानी कि एक कूड़ा घर बनाया जा रहा है जहां पे जो भी गांव से जो कचरा आएगा उस कचरे की वहां पे छटाई होगी और गीले और सूखे कचरे से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा और उस जैविक खाद से ग्राम पंचायतों में लोगों के द्वारा खेती की जाएगी, इससे शुद्ध भोजन भी मिलेगी। तो इसको लेकर जिस प्रकार से पंचायतों में साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है, इस दरमियान बहुत सारे पंचायतों में काम शुरू हो चुका है और बहुत सारे पंचायतों में काम शुरू नहीं हुआ है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिन पंचायतों में काम शुरू हुआ है वहां तेजी से काम किया जा रहा है और जहां पे काम शुरू नहीं हुआ है वहां भी काम कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दरमियान पश्चिमी चंपारण जिला के रामनगर प्रखंड अंतर्गत 9 पंचायतों में काम करने की निर्देश दे दिया गया है। इसमें करमैया, परसौनी, सोनखर, सपही, बखई, धोखराहा, भावल, सोहसा और गुदगुदी पंचायत शामिल है। तो इन पंचायतों में स्वच्छता अभियान पर काम तेजी से शुरू करने का जो निर्देश है दे दिया गया है और बाकी जो बचे हुए पंचायत है उन पंचायतों में भी काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है काफी तेजी से किया जा रहा है और इसके लिए जो अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण किया जा रहा है उसके लिए सरकारी जमीन जहाँ पे है वही पे उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे सरकारी जमीन नहीं है वहां निजी जमीन खोजा जा रहा है। तो जहां पे निजी जमीन नहीं मिल पाया है वहीं पे अभी अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल पंचायत के प्रत्येक गांव में स्वच्छता अभियान पर लगभग काम शुरू किया जा रहा है और इसको लेके विभाग के द्वारा भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को लेके आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके यहाँ भी स्वच्छता अभियान पर काम शुरू हो चुका है और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।